ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मैं प्रियांशी भदौरिया आप सभी लोगों के समक्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहूँगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिलों में बसा एक ही सपना था आज़ादी के मतवालों का, जश्न है ये भारत के आज़ाद 75 सालों का। 75 साल हुए आज़ादी को, चलो आज फिर एकता दिखलाते हैं, मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, अमृत महोत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 सप्ताह पूर्व ही हमारे देश की सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी थी। इस महोत्सव का आगाज़ गुजरात के साबरमती आश्रम से किया गया था। यहीं से ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च की शुरुआत भी की गई थी। आने वाले 75 सप्ताह देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और आज़ादी का यह जश्न मनाया जा रहा है। आज़ादी के इस जश्न को मनाते हुए हम भारतवासी अपने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटेंगे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं, आंदोलनों और महान क्रांतिकारियों के विषय में विस्तार से जानेंगे। इस महोत्सव के कारण हम आज़ादी के उन रखवालों के बारे में जान सकेंगे जो इतिहास के पन्नों में आज कहीं खोए हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का यह प्रयास बेहद में सराहनीय है कि इस महोत्सव को जन उत्सुक बनाने की उनकी यह परिकल्पना वास्तव में प्रशंसा की पात्र है। आज़ादी के इस उत्सव का आधार स्तंभ यह है कि भारत का हर नागरिक स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को जाने, 75 वर्षों पर विचार करे और 75 नए संकल्प ले। मृत्यु मोक्षी अमामृताम, अर्थात दुख क्लेश कष्ट विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ना, यानी यह आज़ादी का महोत्सव है, यह नई ऊर्जा का महोत्सव है, यह नए विचारों का महोत्सव है, यह नए संकल्पों का उत्सव है, यह आत्मनिर्भर भारत का उत्सव है, यह राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। 130 करोड़ जनता इस उत्सव में शामिल होगी, इस महोत्सव में भाग लेकर अपने देश के इतिहास को जानेगी और स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व महसूस करेगी। हमें हमेशा हमारे तन मन धन से मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में यही कहूंगी, 75वीं वर्षगांठ पर 75 नए उपलब्ध हम बतलाएंगे, लेंगे 75 नए संकल्प और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आज़ादी का ये महोत्सव चलो देश को प्रणाम करे, देश श्रद्धांजलि उन वीरों को, उनका हम सम्मान करे, उनका हम सम्मान करे। जय हिंद, जय भारत, बी अ प्राउड इंडियन। नमस्ते एवरीवन, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता और आज़ादी का क्या तात्पर्य है? हमारा देश जब दूसरे देश के अंडर कार्यरत होता है और हम दूसरों के नियम कानून को फॉलो करते हैं, एक साधारण भाषा में कहा जाए जब हमारे स्वयं के ऊपर कोई कार्य ना करें, हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने हेतु स्वतंत्र हों, इसी को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र कहा जाता है। क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? क्या हमें अपनी इच्छाओं से आज़ादी मिल गई है? क्या हम आज भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या के गुलाम हैं? क्या हमें रियली फ्रीडम मिल गई है या हम मोह रूपी संसार माया में फंसे हुए प्रतीत होते हैं? आज काम करने को बहुत कुछ है। आज़ादी का महोत्सव मनाते समय हमें छोटी छोटी बातों का विश्लेषण करना है जो आज एक आम आदमी अपने जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फेस कर रहा है। हम सभी को एकजुट होकर नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली दुनिया को स्वर्ग बनाना है, जीने लायक बनाना है। अभी तक हम सभी कोविड-19 को फेस कर रहे थे, सभी अपने घरों में परेशान थे, ईश्वर से विनती कर रहे थे कब सब ठीक होगा। जैसे ईश्वर ने सब ठीक किया, हम दूसरी बातों में उलझने लगे। समस्या तो दिन प्रतिदिन आती रहेगी, समस्याओं का निवारण क्या है उस पर फोकस करना है। कल जब वातावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल,
शुद्ध मृदा से रहित हो जाएगा। रहित ही नहीं, जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी तब हम क्या करेंगे? वृक्षों के लगातार कटने से भविष्य में क्या होगा, उस पर ध्यान देने की बजाय हम आज युद्ध की बातें कर रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन की शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन लाने हैं, उस पर विचार करना है, ना कि आपसी भाईचारा भुलाकर लड़ाई के बारे में सोचना है और अफवाहें फैलानी है। हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना है, जिससे कि हम अपनी कमियों पर विजय पा सके। वही सच्ची स्वतंत्रता होगी। एक अच्छे नागरिक से ही, एक अच्छे परिवार से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, फिर एक अच्छा देश और फिर सारे देश और सुंदर नवीनतम विश्व का निर्माण होगा, जिसका आधार सर्वप्रथम अंडरस्टैंडिंग ईच अदर और एडजस्टमेंट होगा। हमारा हर एक कदम, हमारी हर एक सोच विश्व शांति की ओर अग्रसर होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान समय में भारतवर्ष तथा संपूर्ण विश्व में चहुओर अशांति का वातावरण व्याप्त है। कहीं युद्ध की विभीषिका तो कहीं प्राकृतिक प्रकोप हैं। भारत में भी धार्मिक उन्माद एवं कट्टरता का वातावरण व्याप्त है। राजनीतिक उथल पुथल भी है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भारतवर्ष में शांति स्थापित हो तथा संपूर्ण विश्व में भी शांति का वातावरण निर्मित हो। धन्यवाद। जय हिंद। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति।